हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन से। एक बार आज हम बात करेंगे कि अगर आप टावर क्रेन सीखना चाहते हो, अगर आप टावर क्रेन ऑपरेटिंग करना चाहते हो, तो आपको जो है टावर क्रेन का ट्रेनिंग कहाँ से लेना चाहिए, टावर क्रेन ट्रेनिंग का लाइसेंस कहाँ से अप्लाई करना चाहिए और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहाँ से लेना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग के बारे में जानकारी कहाँ से लेना चाहिए और कौन सा इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में क्रेन टावर क्रेन ट्रेनिंग के लिए जाते हो या तो ऑपरेटिंग कोर्स के लिए जाते हो, तो आपको उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसका कितना फीस रहेगा मंथली का, उसका कोर्स मंथली का कितना रहेगा और कितना मंथली में आपको सिखा के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा होने वाली है, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी सी जानकारी अगर छूट गया तो आपको वहाँ पर कुछ माइनस पॉइंट हो जाएगा। इसके लिए वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहो। जिससे बात करते हैं कि आपको कौन सा मतलब इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, उसी के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे तो कहीं जगह पे है, तो मैं कुछ ही जगह का नाम इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई में भी जो है एक कोर्स का स्कूल है जो कि ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, तो उस ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट का नाम जो है IIT इंडस्ट्री टेक्निकली इंस्टीट्यूट, इसका नाम है। ये आती है मतलब मुंबई में कल्याण ईस्ट में आता है। अब बात करते हैं इसका कोर्स कितना महीने का होगा, फीस कितना होगा। तो इसका जो फीस है जो कि 50,000 के आसपास इसका फीस है और इसका 2 मंथ का इसका कोर्स है, तो 2 मंथ के अंदर आपको सिखा देगा, सिखा के सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा और इसका 50,000 जो है इसका 2 मंथ का फीस है ये इंस्टीट्यूट का। दूसरा जो है जो कि राष्ट्रीय टेक्निकली इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलेगा झारखंड में। तो आप देख सकते हो वीडियो में राष्ट्रीय टेक्निकली इंस्टीट्यूट जो कि ये झारखंड में आते हैं। और बात करते हैं इसका कोर्स कितना महीने का रहेगा और फीस कितना रहेगा। और यहाँ का जो कोर्स है ये भी 2 मंथ का ही कोर्स है, लेकिन इसका जो 2 मंथ का जो फीस है जो कि 30,000 के आसपास इसका 2 मंथ का फीस है। तो आप देख सकते हो वीडियो में इसका 2 मंथ का फीस रहेगा, मतलब 2 मंथ का इसका कोर्स रहेगा और 2 मंथ का जो फीस है उसका भी 30,000 के आसपास इसका फीस है। तो अगर आप जाना चाहते हो यहाँ पे तो भी यहाँ पे आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको 2 मंथ का जो है आपको कोर्स दिया जाएगा और 2 मंथ के बाद आपको जो है सिका के सर्टिफिकेट लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तीसरा के लिए बात करते हैं, तीसरा जो है जो कि ऑक्सफोर्ड टेक्निकली इंस्टीट्यूट जो कि ये जमशेदपुर में है। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप बिल्कुल जा सकते हो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है 3 महीने का कोर्स रहता है। आप बात करते हैं इसका फीस कितना रहेगा, तो अगर आप जाना चाहते हो जमशेदपुर में ऑक्सफोर्ड में, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 महीने का कोर्स रहेगा और 3 महीने का जो है ये लोग भी जो है 30,000 से 40,000 का ये लोग फीस चार्ज करते हैं। तो ये लोग 3 महीने के अंदर जो है आपको सिखा के सर्टिफिकेट लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर देगा और इसका जो फीस है जो कि 30,000 से 40,000 के आसपास इसका फीस रहते हैं 3 महीने का। तो अगर आप यहीं पर भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो है मेन पॉइंट जो कि बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करता है कि मेरे को उधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कोई भी ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बहुत लोगों ने कमेंट करता है। तो बात करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर। ऐसे तो देखिए ये जो ट्रेनिंग का जो स्कूल होती है वो ऐसे आप मत सोचो कि आपको पूरा दिन में 12 घंटा आपको ट्रेनिंग के लिए किरण के ऊपर रखेगा और आपको सिखाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको इस बात को गौर से समझना होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होती है। जैसे स्कूल में जो क्लास होती है, जो आप बचपन में जो स्कूल गए होंगे तो उसमें क्लासरूम कैसे होते हैं, आपको क्लासरूम में होना होता है, मास्टर आते हैं, फिर जो है उन्होंने आपका क्लास लेते हैं, एक एक सवाल आपसे पूछते हैं, कुछ सवाल वो भी आप लोगों को बोलते हैं। जैसे इस एक क्लासरूम में जो होते हैं उसी तरह आपको क्लास लिया जाएगा। जैसे कि आप फोटो में वीडियो में देख पा रहे हो जो कि क्लासरूम होते हैं और क्लासरूम में एक टीचर होगा जो कि आप लोगों को टेक्निकल मैकेनिकल ये सारे चीज़ के बारे में वो लोग इंट्रोडक्शन देगा। तो उनका जो भाषण है जो कि इंट्रोडक्शन है वो देता रहेंगे, 4-4, 5-5 घंटा आपको टेक्निकल मैकेनिकल के बारे में बताएंगे। तो ऐसा मास्टर आएगा जो कि आपको क्लास लेगा, आपका एग्जाम भी होगा, आपको नोट भी दिया जाएगा, जैसे स्कूल में होती है नॉर्मली, सेम उसी तरह जो है आपका 3 महीना 2 महीना जो भी आपका कोर्स है इसी तरह आपको होता रहेगा।
होगा आपको कंटिन्यू 2-3 दिन आपका क्लास होगा, फिर एक दिन आपका प्रैक्टिकली होगा, फिर ऐसे फिर क्लास होगा, फिर एक दिन प्रैक्टिकली होगा। तो ऐसे कि उसमें बहुत सारा स्टूडेंट अगर होगा तो क्या होगा, एक घंटा किसी और को चढ़ाएगा, फिर उसको उतार के फिर आपको एक घंटा चढ़ाएगा, फिर उसको उतार के फिर आपको एक घंटा चढ़ाएगा। मतलब इसी तरह जो है प्रक्रिया पूरा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को पूरा 12 घंटा सिखाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो स्कूल अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप ऐसा कोर्स लेना चाहते हो, तो आपका मर्जी कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, वो आपका मर्जी। लेकिन मेरे हिसाब से जो है ऐसे ट्रेनिंग स्कूल में बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग जो है 2-3 महीने का जो है मतलब कोर्स करा रहा है, और उसमें फीस भी देखो कितना हैवी फीस वो लोग चार्ज कर रहा है, क्योंकि 50,000 2 महीने का, 30,000 से 40,000 3 महीने का, इतना सारा जो फीस वो लोग ले रहे हैं सिर्फ कोर्स का ले रहे हैं। आपका खाने पीने का रहने का भी बिल्कुल नहीं उसमें इंक्लूड है, आपको जो उसमें हॉस्टल का जो खर्चा है वो भी आपको अलग से लेना पड़ेगा, खाने पीने का जो खर्चा है वो भी आपको अलग से देना पड़ेगा। तो मतलब जो फीस जो वो लोग ले रहा है सिर्फ कोर्स का ले रहा है, 2-3 महीने के अंदर कोर्स करा के आपको जो है लाइसेंस सर्टिफिकेट वो लोग प्रोवाइड कर देगा, और कर देने के बाद जो है आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, नहीं आपको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इसमें इतना सारे फीस में आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मेरा सजेशन है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो वो आपका मर्जी, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल कि आप लोग कोई मत जाओ, जिसको जाने का मर्जी वो जा सकते हो, बिल्कुल जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। बात करते हैं कि अगर आप बोलोगे कि अगर हमको स्कूल में नहीं जाना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर नहीं जाना चाहिए, तो हमको क्रेन कैसे सीखेगा, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। तो मैं आप बताने वाला हूँ कि आपको क्रेन सीखना कैसे चाहिए। तो देखिए, अगर आपको क्रेन सीखने का इतना ही जुनून है, इतना ही गुरूर है, तो आप क्या करो, एक कोई भी एक छोटा मोटा कंपनी में जाओ और जाके जो है वहाँ पे सिग्नल मैन में ज्वाइनिंग कर लो। अगर आप कोई भी कंपनी में सिग्नल मैन का ज्वाइनिंग करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको 14,000-15,000 अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है सिग्नल मैन का, आपको वो भी पैसा भी मिलता रहेगा, और सिग्नल मैन में ज्वाइनिंग करने के बाद जो है आप धीरे 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 क्रेन भी सीख जाओगे। लेकिन अगर आप उस ट्रेनिंग स्कूल में जाओगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि डेली का 1 घंटा या तो 2 घंटा आपको क्रेन में सीखने के लिए देगा, चलाने के लिए देगा प्रैक्टिकली, बाकी टाइम जो है आपका क्लासरूम में ही काटेगा। ऐसा नहीं कि आपको 12 घंटा सीखने के लिए देगा, सिर्फ बाकी पूरा टाइम आपको क्लासरूम में काटेगा, 1-2 घंटा जो है आपको क्रेन में प्रैक्टिकली के लिए लेके जाएगा। इसमें क्या है, आपको दिमाग अगर अच्छा तेज है, दिमाग अगर हार्ड है, तो जल्दी आप सीख जाओगे, नहीं तो आप बहुत लेट सीखने वाले हो। तो इसीलिए जो मेरा जो सजेशन है, आपको बिल्कुल ट्रेनिंग स्कूल में नहीं जाना चाहिए, आपको जो है कोई भी छोटा मोटा कंपनी में आपको ज्वाइनिंग करके, सिग्नल मैन का ज्वाइनिंग करके आपको धीरे धीरे क्रेन सीखना चाहिए। तो अगर आप कोई भी कंपनी में ज्वाइनिंग करोगे सिग्नल मैन का, तो उसमें क्या होगा, आपको जो मंथली जो पेमेंट है जो कि कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है 14,000-15,000, वो भी आपका आता रहेगा, आपका हाथ खर्चा भी चलता रहेगा। और स्कूल में अगर आप जाओगे सीखने के लिए तो वहाँ पर आपको कुछ आएगा नहीं, बल्कि आपका जाएगा। जो 50,000 का जो फीस है वो आपको पहले ही पे करना होगा, फिर आपको खाने पीने का खर्चा पे करना होगा, फिर हॉस्टल का रेंट आपको पे करना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो वहाँ पे आपको खर्चा ही खर्चा है, इतना खास उसमें कुछ फैसिलिटी नहीं मिलते हैं। तो अभी जाना कि नहीं जाना वो आपका मर्जी है दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।